तो हाँ भाई लोग, क्या हाल चाल है? उबरता होंगे आप सब लोग, अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू में एक नया बस मोड के बारे में बात करेंगे, मतलब वोल्वो 9600 मल्टी एक्सेल बस मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि परसों रिलीज़ हुआ है गाइस। और एक नया बस मोड है, ये पुराना वाला 9600 बस मोड नहीं है, एक नया लेटेस्ट वाला बस मोड है गाइस, जो कि प्रकाश वोल्वो 9600 बस मोड है। और इसका आज हम पूरा रिव्यू करेंगे, इसका इंटीरियर कैसा है और आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा इस मोड में, और इसका ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस सब कुछ मुझे कैसा लगा उसके बारे में पूरा इन्फो देंगे गाइस। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर प्ले हो रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को भी जरूर दबाइए, और हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें गाइस, क्योंकि हम उधर भी ड्राइविंग रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस मोड में आपको 3 तरह के एनिमेशन की देखने को मिलेगा गाइस। तो पहले वाले हम चेंगे से बस का सस्पेंशन नीचे जाता है, और उसके अलावा डिक्की पूरा ओपन होता है गाइस, और दूसरे वाले हैमिंग से कर्टेंस बंद होती है, जिसका इफेक्ट सब कुछ आप इधर देख सकते हो, और तीसरे वाले हैमिंग से पीछे का इंजन कंपार्टमेंट ओपन होता है गाइस, और उसके अलावा सीट्स भी रेक्लाइन होता है, जिसका आप इधर पूरा इफेक्ट सब कुछ आप इधर देख सकते हो, और उसके अलावा ड्राइवर साइड का विंडो भी ओपन होता है गाइस, जिसका इफेक्ट आप इधर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया सा इफेक्ट है। और उसके अलावा डोर ओपनिंग एनिमेशन से बाहर के डोर के साथ साथ अंदर का डोर भी ओपन होता है, और उसके अलावा को ड्राइवर का सीट्स भी फोल्ड होता है, और इसके साथ साथ आपको कैबिन लाइट्स भी ऑन होता है गाइस जब आप डोर ओपनिंग को ऑन करोगे। तो ओवरऑल मुझे इसका डोर ओपनिंग एनिमेशन भी बहुत ही बढ़िया लगा। और इस मोड को CRS Garage ऑफिशियल चैनल ने बनाया है गाइस, और इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो आप उधर जाकर इस मोड को बहुत ही बढ़िया रूप से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और आप इसका इंटीरियर देख सकते हो गाइस, आपको बहुत ही बढ़िया सा इंटीरियर देखने को मिलता है। आपको इस इंटीरियर में एम्बिएंट लाइट देखने को मिलता है गाइस, जो कि देखने में एकदम दासू है, और इसका इंटीरियर को और भी बढ़िया बना रहा है गाइस। और आप इसका पूरा डैशबोर्ड का लेआउट पूरा देख सकते हो, आपको एक वेल डिटेल्ड और वेल टेक्स्चर्ड डैशबोर्ड देखने को मिलता है, और उसके अलावा आपको एक मूर्ति भी देखने को मिलता है गाइस, जो कि देखने में एकदम डैशबोर्ड का ओवरऑल इतनी पूरा क्या बोलता हूँ पूरा लुक को एकदम रियलिस्टिक बना रहा है गाइस, और देखने में एकदम बढ़िया लग रहा है। और उसके अलावा आपको बहुत सारी डिटेलिंग भी देखने को मिलेगा इंटीरियर में, और इसका एक्सटीरियर भी बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। और आपको इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में डायल एनिमेशन इंडिकेशन सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, और ये बस बहुत ही स्मूथली आप कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि इसका स्पीड ब्रेकिंग और इसका स्टीयरिंग फीडबैक सब कुछ एकदम दासू है गाइस, और एकदम परफेक्ट है, और इसका ओवरऑल कंट्रोल्स भी अच्छा है गाइस। और आपको ऐसा कुछ लैग इशू देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि आपको लोअर एंड डिवाइसेस में थोड़ा लैग इशू देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल मोड बहुत ही दासू है गाइस। इसका इंटीरियर एक्सटीरियर और ड्राइविंग स्पीड सब कुछ बढ़िया है, ओवरऑल मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो नीचे कमेंट करें कि आपको मोड कैसा लगा, तो मुझे तो अच्छा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखेगा। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा, तो तब तक के लिए बाय बाय। Stand and fight, and nothing.
and fight.